दिसंबर के महीने में सर्दी अपने चरम पर है। राजस्थान के कई जिलों में भी ठंड की वजह से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बीकानेर अंचल में भी सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। सुबह जहां सूरज की धूप निकलती है, वहीं शाम को हाड़ कपाने वाली सर्दी लगने लगती है। गुरुवार को सुबह और शाम को हवाओं के नहीं चलने से ठिठुरन बरकरार रही। सुबह और शाम को हवाएं बंद रही, वहीं आसमान में सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दो दिनों में तापमान और नीचे गिर सकता है। गुरुवार को दिन में हवाएं बंद रहने से आसमान साफ रहा। दोपहर में सूरज की हल्की तपिश भी महसूस की गई, लेकिन शाम होते ही सर्दी का सितम शुरू हो जाता है। सर्दियों से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों के बाहर अलाव जलाई। बीकानेर में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के चलते सर्दी और बढ़ गई है। अलाव के चारों तरफ लोग बैठकर स्थानीय मुद्दों और राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करते नजर आए। बीकानेर में मूंगफली, तिल पापड़ी और गजक गोटा आदि खाने का दौर शुरू हो गया है। सर्दी के मौसम का आनंद बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लेते दिखाई दिए। गुरुवार को बीकानेर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले कुछ दिनों में मौसम कुछ इसी तरह का रहने वाला है। ज्यादातर लोग सूरज निकलने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।